और एक सिंगल कागज इनके पास नहीं है, सब मजदूर है, किसी का बीमा नहीं है, कुछ नहीं है। अग्निशमन वालों से भी कोई रिपोर्ट इनकी नहीं है, कुछ नहीं। पटाखे का गोदाम है जी सर, ये हटना चाहिए, यहाँ गांव के बस्ती के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ आसपास की बस्ती अगर है, अगर ये विस्फोट हो जाएगा तो यहाँ आसपास की बस्ती नहीं बचेगी। बाहर खेड़ा के जो निवासी हैं उन लोगों ने एक शिकायती पत्र दिया था 3 दिन पहले कि यहाँ पर इतना बारूद यहाँ पर वो करा जा रहा है भंडारण, जिससे कभी भी विस्फोट की संभावना है, जो सीमा से अधिक है। जिसके क्रम में जांच कराई गई, हमें क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट ये मिली कि हाँ ये सीमा से अधिक है और इतना विस्फोट वो बारूद एक साथ भंडारण करने से जन धन हानि हो सकती है और इसके मतलब ये एक हमारे लिए खतरे का विषय है। इसके क्रम में हमने यहाँ पर आज एक SHO की और RI की टीम भेजी थी, जिससे ये कहा था कि हमें 5 बिंदु पर एक रिपोर्ट तत्काल ला। इन सारी बिंदुओं पर रिपोर्ट लेने जब हमारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आई तो इन लोगों ने बताया कि इनके पास यहाँ कोई मालिक भी नहीं है, कोई मैनेजर भी नहीं है और इनके पास कोई कागज भी नहीं है। ये फैक्ट्री नहीं है बल्कि स्टोरेज का स्थल था। वहाँ पर यह जानकारी मिली कि काफ़ी मात्रा में स्टोरेज पटाखे किया गया है। वहाँ तत्काल पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जा करके उसको बंद किया, क्योंकि तत्समय वहाँ पर कोई कागज लोग नहीं दिखा पाए। कालांतर में वो कागज लेके आए, जिसके कि विस्फोटक नियंत्रक आगरा के यहाँ से उनका लाइसेंस जारी है, ग्राम डीह में उसकी 74 नक्शे पर ब्लूप्रिंट पर सत्यापित है, उसका GST का रजिस्ट्रेशन है, उस आदमी का जो NOC सारी उसकी है और उसका बीमा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे कागज उसके द्वारा दिखाया गया तो उसको खोला गया है, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाए। उन्नाव में 10 करोड़ के अवैध पटाखे मामले में प्रशासन ने किया बड़ा खेल। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही गोदाम है जिसको 24 घंटे पहले उन्नाव प्रशासन ने सीज किया था और ये बताया था कि यहाँ पर लगभग 10 करोड़ के अवैध पटाखे हैं, जिनके कागज जो है प्रशासन को नहीं मिले हैं और कई सुरक्षा से जुड़े हुए मानक पूरी तरह फेल पाए थे, जिसके बाद जो है उन्नाव प्रशासन ने ये पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया था। लेकिन अब ये फैक्ट्री खोल दी गई है, 24 घंटे के बाद ही उन्नाव प्रशासन को सारे कागज सारे मानक ठीक लगने लगे हैं। आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे में ही जो अवैध पटाखे थे, 10 करोड़ के अवैध पटाखे थे, वो सारे वैध हो गए हैं और उसके बाद अब ये फैक्ट्री चालू हो गई है, यहाँ लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और बंद तरीके से चोरी छुपे और हो रही यहाँ पर लोडिंग। सबसे खास बात आपको बता दें कि यहाँ पे इस गोदाम के ठीक बाहर ही एक घनी बस्ती है, आबादी है यहाँ पर जो है लगभग जो जवाहर खेड़ा गांव है यहाँ के लोग रहते हैं, लगभग 1000 से ऊपर की आबादी है। लोगों का ये भी कहना है, उनको डर सताता रहता है कि इतने बड़ी मात्रा में यहाँ जो अवैध तरीके से बारूद का भंडारण होता है उससे कभी भी कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन सब के बीच सारे सुरक्षा मानकों को और लोगों को जिंदगियों से जो उन्नाव प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है, इस पे उन्नाव प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV।